हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं होलिका दहन के लिए सामान इकट्ठा करने। तो वो अब लेके आएंगे हम लोग। ये खेत में होने वाले सनिए हैं जो जलाने के लिए काम आएंगे होलिका को। तो मैं अभी डाल रहा हूँ, ये सभी लेके जाएंगे वहीं पे और उन्हें जचा के सही करेंगे वहीं पे। अभी बहुत सा काम निपटा के आए हैं हम लोग यहाँ पे। अभी खेल खेलेंगे, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मेरी आ गई तो विकास पहले ही बॉल में आउट हो चुका है। ये सामने जो ब्लैक पैंट में वो इंदर चच है, अच्छे प्लेयर हैं वो भी इस गेम के। अभी SI का पेपर भी फाइट कर लिया है उन्होंने। फिजिकल पीछे हुआ है शायद, तक हो गया होगा। वन विभाग देखिए, यहाँ पे बुजुर्ग लोग सभी खेलते हैं, बच्चे जवान सभी हैं। सभी मिलके खेलते हैं, इसीलिए तो ये गेम रोचक है। इतना खेलने में बहुत इंटरेस्ट आता है। आपको पीछे भी बताया था कि ये राजस्थान का लोकप्रिय खेल है। एक टप्पा खा के अगर कैच ले ले तो आउट, उसमें ऐसे गिरा दे कैच पकड़, ना ना उतर गया उतर गया, बराबर है बराबर पर रख दिया जाता है। तो अभी इनमें से कोई आउट नहीं हुआ है। इस बंदे ने एक हाथ से कैच लिया अभी। आउट है, चलो आउट कौन भाई? मैं भी ये ठीका ठीक खेल लेता हूँ। हमारी टीम अभी तो विनिंग की तरफ चल रही है, सामने वाले हार रहे हैं। अभी तो पहली बार तो हार गए थे हम लोग। हाँ यार, अब तो फिर से मेरी बारी आ गई है। ये लो, ये चल दिया। अभी हम लोग होलिका दहन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सभी मिलकर डांस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, फुल बहुत मस्त डांस लगते हैं। देखना होगा आगे क्या क्या होता है। कोई और बनेगा, कोई कुछ करेगा। Thank you.
स्थान पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे चावरी वगैरह सब बनाएंगे पंडित जी। अब तो लगभग चौड़ी बना दी है पूरी, और फिर प्रोग्राम में थोड़ा हवन वगैरह भी करेंगे ये लोग। प्रोग्राम पहले तय कर लिया गया और प्लस तुम रो रहा है ये हवन के लिए लकड़ियां तोड़ रहे हैं, लकड़ियां जचा रहे हैं। उसके बाद इसमें हवन होगा, हवन होने के बाद हवन वाले जो बस्ती है उसे डाल देंगे उसमें होलिका की अर्थी में। सर ने हमें अर्थी सुबह ही सजा दी थी। यहाँ पे होलिका दहन का प्रोग्राम चल रहा है, सभी लोग मिलके यहाँ पे चमड़ी वगैरह बांध रहे हैं और सभी बहुत से लोग इकट्ठा हुए हुए हैं यहाँ पे। पूरा प्रोग्राम भी दिखाएंगे आपको होलिका दहन का, फिर यहाँ प्रहलाद को भी लेके भागते हैं ऐसे। वो भी प्रोग्राम होलिका दहन के समय एक आदमी को हवन के लिए बिठाया गया जाता है, तो वो इन्हें बिठाया गया है अभी। ये पूरा हवन वगैरह करेंगे और फिर होलिका दहन करेंगे। ने हवन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और अभी हवन करके या हवन की जितनी भी जो अवशेष बचेंगे उसे होलिका के दहन के लिए काम में लेंगे। अब हम लोगों ने हवन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ लगा है। अभी हवन प्रारंभ हो गया। हवन समाप्त हो गया और पंडित जी को दक्षिणा दी गई है यहाँ पे। और अभी ये लोग नारियल को इसमें से एक दो बार घुमाएंगे और फिर होलिका की चिता में रख देंगे और फिर इस नारियल को सभी लोग मिल के निकालेंगे, जलती हुई आग में से निकालेंगे। पूरा रखने जा रहे हैं निकालने की प्लानिंग अरे नारायण परली साइड है।
निकल है। अभी ये लोग इसमें से प्रहलाद को अभी तो घर की तरफ जाएंगे। गए था होलिका दहन पूरी हो चुकी है और सभी यहाँ से वहाँ पे बोलते हैं कि ये रक्स अभी खेल रहे हैं, इसे पूरा सब बिखेर दिया यहाँ से वहाँ, पूरा का पूरा बिखेर दिया है। देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी फेंक रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। ये देखो अभी ऐसे कर रहे हैं, वो देखो वो बंदा लेके भाग रहा है, वो प्रहलाद को लेके भाग रहा है अभी। ये देखो अरे लेके भागे ये बंदा प्रहलाद को। ये देखो कैसे मार रहे हैं सभी लोग, मजे ले रहे हैं इस चीज़ के। ये गांव की होली है, देखिए कैसी लगी आपको। कहते हैं कि राक्षस खेल रहे हैं अभी, इन सबको राक्षस करार दे दिया है। प्रसाद है, प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे, तरबूज लेके आए हैं। बैठ जा।